और बात करते हैं इंदौर की, जहां एक बच्ची के पिता ट्रांसपोर्ट कर्मी ने मुस्लिम युवती से भाग कर शादी कर ली। उसकी 6 साल पहले समाज की ही युवती से शादी हुई थी। 15 दिन पहले ही वो पिता बना है। वहीं डिलीवरी के कारण उसने पहली पत्नी को मायके भेज दिया था। पत्नी को दूसरी शादी का पता फेसबुक से चला तो उसने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी पति को ढूंढ रही है। पत्नी के मुताबिक राजेश का दूसरे समुदाय की युवती से लंबे समय से अफेयर चल रहा था। मामले में TI संजय शुक्ला ने बताया कि छोटा बंगड़दा निवासी बबीता परमार ने पति राजेश परमार की शिकायत की है, जिसमें कहा है कि राजेश ने धोखा देकर आयशा खान से दूसरी शादी कर ली। उसके पति की सच्चाई का उसे फेसबुक के माध्यम से पता चला। मामले में उसने अपने ससुर को शिकायत की, जिन्होंने चुप रहने की धमकी दी, जिसके बाद पति ने भी दूसरे नंबर से फोन लगाकर युवती को धमकी दी है। वहीं पत्नी का आरोप है कि पति और ससुर भी बेटी को देखने नहीं आए। पुलिस ने राजेश के पिता कनीराम से बात की तो पता चला कि 2 सप्ताह पहले खजराना इलाके में रहने वाली आयशा खान को भगाकर साथ में ले गया है, जहां दोनों ने शादी भी कर ली है। वहीं बबीता के परिवार ने आरोप लगाया कि राजेश के खिलाफ शिकायत लेकर उसके ससुर कनीराम और सास शांताबाई लगातार धमका रहे हैं। इसी बीच राजेश ने भी नंबर बदलकर पत्नी बबीता को धमकाना शुरू कर दिया है। बबीता का ये आरोप है कि राजेश के माता पिता जानते हैं कि वो आयशा के साथ कहां रह रहा है। वहीं एरोड्रम पुलिस के मुताबिक अभी पूरे मामले को जांच में लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट न्यूज।